मैं इंस्पेक्टर बलराज सिंह। मैं कई एनकाउंटर किते ते कई मुजरिमां नूं जेल दी हवा खवाई, पर हुण मैं इह पुलिस दी नौकरी छड रहा हां, क्योंकि मेरे कोल इक अजिहा केस आया जिसने मेरी सारी जिंदगी ही बदल के रख दी। जे जिंदगी चार दिनों की है तो समझो अज जिंदगी का तुहाडा पहला दिन है। हुण बाकी दी जिंदगी जिवें भी जियो, प्यार चैन ते सुकून नाल जियो। मरना इंसान दे हाथ च नहीं है, पर जिंदगी नूं किस तरह जिउणा ये साडे हाथ विच है। इंसान भावें मर जांदा पर उसदे विचार सदा अमर रहिंदे। सर जी, पढ़ाई ध्यान नहीं लगता जी, जदों किताब चकदा उदों नींद आउण लग जांदी है। तेरी अजे न्याणी उम्र है, इस उम्र में ध्यान किताबां वल घट ख्वाबां वल ज्यादा होंदा। सर जी, फिर इहदा हल की आ? किताबां नाल दोस्ती करो ते सब कुछ समझ आउण लग जाऊ। समां बहुत बलवान होंदा है, अज तू समय नूं बर्बाद करदा कल नूं तैनूं समां बर्बाद करूगा। टाइम इज प्रीशियस, अज लई इन्ना बहुत है, मैं चलदा। ਉਹ ਆ ਜਾਓ ਬਈ, ਹਾਕੀ ਦਾ ਮੈਚ ਲਾਈਏ। ਹਾਕੀ ਫੜਨੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਬਈ ਹਾਕੀ ਕਿਵੇਂ ਫੜੀ ਦੀ ਆ? ਓਏ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਬਈ ਹਾਕੀ ਕੀ ਆ ਤੇ ਰੌਕੀ ਕੀ ਆ। ਆ ਜਾ, ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਕਰੀਏ ਇੰਜਣ ਬਾਈ ਇਹਦਾ ਹੁਣੀ। ਆ ਜਾਓ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਤੂੰ ਤੁਰ ਜਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਵਾਕ ਕੁੱਟਦਾ। ਰੌਕੀ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਗਰਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਗਰਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਤੋਂ 10 ਕਿੱਲੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਰਹੂੰ। ਮੇਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤੂੰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਹੀ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਰਹੂੰ। ਆ ਜਾ, ਹੁਣੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਫੇਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੜ ਪਏ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਨਾ ਲੜਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੋ, ਰਲ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਚਲੋ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਲੜਾਈ ਕਰੋ ਖਤਮ। ਚੱਲ ਬਈ, ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ ਮਾਸਟਰ ਜੀ। ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਇੱਕ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਬੂਟੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੂਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਦਲਜੀਤ, ਆ ਦੇਖੀ ਕੀ ਆਇਆ ਵਟਸਐਪ ਤੇ? ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸੱਪ ਮਾਂ? ਨਹੀਂ ਸੱਪ ਨਹੀਂ, ਆ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਫੋਨ ਤੇ, ਆ ਦੇਖ। ਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਟਸਐਪ ਆ ਮਾਂ। ਓਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕੰਮ। ਪਾਣੀ ਲਿਆਵਾਂ ਮਾਂ? ਨਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਲਕੱਤਿਓਂ ਆਈ ਆ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਜ਼ਬਾਨ ਲੜਾਉਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ? ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ। ਮਾਤਾ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ। ਜਿੰਦਾ ਰਹਾ ਬੇਟਾ, ਜਿੰਦਾ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈਲਫੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਰੂੜੀ ਤੇ ਮਾਰਨਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਹੀਂ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਸੁੱਟਤਾ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਵਿਗਾੜ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕਰ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ। ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਟਕ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸਿਖਾ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਕਰ ਲਈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ।
माता घरे बुला के बेइज्जती करन दा रवाज है थोड़े? ना तुसी बेइज्जती करन कनेडा जाने हो? चंगा माता मैं चलदा। बैजा बैजा चाह पी के जाई। हुण चाह दी कसर रह गई। ओ बैजा यार। अज तो सिर्फ लड़े ने, कल ना हो एक दूजे का सिर पाड़ दे फिर। ओ जे सिर पाड़ देंगे आपां डाक्टर नूं बुला लांगे, तुसी फिकर ना करो। सरपंच साहब मेरा काम सी तुहानूं दसना, तुहानूं समझाना। हुण जे कल नूं कोई भी 19-21 हुंदी आ ना, फिर ना मैनूं कहो, मैं सारे दे सारे अंदर डक देने आ। ओ तुसी 19-21 दी गल करदे हो, इह तां 307 पवाउण नूं फिरदे ने। पुलिस नूं होर भी बहुत काम हुंदे ने, तुसी उधर ध्यान दो, साडे पिंड दा मैं आपे देखूं। सरपंच साहब पुलिस दी अख तां रडार वांगू चारे पासे घूमदी आ, ते हुण थोड़े पिंड ते खास करके मेरी नज़र रहूगी। ओ तुसी साडे पिंड नूं नज़र ना ला दिओ। कोई गल नहीं सरपंच साहब, पुलिस नूं नज़र उतारनी भी आंदी आ। चंगा जी मैं चलदा। ओ बैठो, चाह पानी पी के जायो, साडे घरों कोई खाली हाथ नहीं जांदा। दुनिया ते खाली हाथ आए आ, ते खाली हाथ ही जाना वा। चंगा जी सत श्री अकाल। डैडी जी आ पुलिस वाले अंकल की कहंदे सी? ओ कुछ नहीं, तू अपना काम कर। जे कुछ कहंदे सी तां दस दियो, आपां देख लांगे। ओ तू ए सब कुछ कित्थों सिखिया? जिथे बंदा मार के कसूर पुछ दे, जट उस पिंड तो बिलोंग करदा। ओए तू एदा मोबाइल दा खेड़ा छड़ दे, पढ़ाई वाल ध्यान दे। चंगा। लगदा सरपंच साहब तो वधिया रिस्पोंस मिलिया नहीं, ताही जनाब दा मुंह लाल आ। ओ लाल तां इन्हां दे पिंड वालियां दी सीट होऊ जदों इन्हां दे पटे पए। ओ ना जनाब, मैं नहीं किसे नूं मारना, आपां तां अहिंसा दे पुजारी आ। अच्छा एक गल दस मैनू, तू अज तक एक मच्छर भी मारिया? ना जनाब। जे मैं मच्छर मारदा फिर मेरे ते मुकदमा दर्ज हो जाना सी। की पता किन्ने दिन लई जेल जाना पैंदा। वाह तेरियां आही गल्लां करके ना तू अजे तक कॉन्स्टेबल आ, ते मैं इंस्पैक्टर बन गया। अच्छा हुण तू ना एक काम करना। की जनाब? ये पिंड वालियां ते ना खास नज़र रखनी आ। जनाब केड़ी नज़र? ओए बुरी नज़र नहीं रखनी, तू बस इन्ना ध्यान रखना कौन किसनू किथे मिलदा। जी जनाब। चला चलिए। ले आ देख लो, मैनू बुला के आप महाराज फोन ते लगे हुए। ओ नहीं भाई, फोन ते दा बस टाइम ले पास कर रहा सी। हुण दस भाई तू मैनू फोन किया सी? ओ हाँ सच, तेनू एक नवा नाटक दिखा के लिया अज। ओ भाई नाटक देखण तां मैं चलूं, पर तेनू बेबे दे सुभाअ दा पता ही आ। बेबे ना यार बोले कुछ। यार भाई गल दस। हाँ भाई पुछ। यार थोड़ी बेबे सवेरे सवेरे दातन करदी आ। हाँ भाई तेनू की पता? यार तां ही इन्ना कौड़ा बोलदी आ। ओ जिन्ना कौड़ा ओह बोलदी आ ना, माड़े बंदे दे तां प्राण निकल जाण। हुण मैनू पता लग्गिया वी थोड़ा बापू अटैक नाल क्यों मरिया सी। ओ भाई बखौल ना कर। चल चल नाटक देखण चलदे आ। चल यार तू कहना चल ही वड़ने यार। मां ओ मां ओ मां बहुत भुख लगी है, खाण नूं हैगा कुछ?
मेनू खा ला, सारा दिन इधर उधर फिरदा रहना वेला। मां आ देख मैं टैटू बना के लिया है। लीज टैटू पालिका व्यार तो बड़ा सोना टैटू बनाते हैं। जिन्ने दुनिया के पुठे काम सारे तू करदा, कोई चज का काम भी तो कर लिया कर। ओ चज का काम भी किया है मां। ना तू की मेरी गोड्या की दवाई लाया? ओ नहीं नहीं मां, मैं ता अपने दलजीत लई मुंडा वेख के आया है। सुख नाल जमीन भी बढ़िया है मुंडे दी, आपां छेवी रिश्ता करन दी गल करिए। की काम करदा मुंडा? ओ काम कुम की करने आ मां, 40 किले जमीन आउंदी है मुंडे नू। अखां मीच के काम नहीं करी दे हुंदे, रिश्ता करना है ना के रिक्शे वाला करना है। 100 गल्लां सोचणियां पैंदियां। मैं अजे व्याह व्यू नहीं करवाउणा वीरे, मैं ता अजे होर पढ़ना। तू एवें किवें नहीं व्याह करवाउणा, उम्र हो गई है तेरी, छेती छेती तेरा ब्याह करिए फिर मैं अपने बारे सोचा। ना तेनू कुड़ी कौन दे दू? क्यों मां मेरे च कोई कमी है? मैं की लोका दिया धीआ भैणा छेड़दा? सारा दिन वेला रहना, डक्का नहीं तोड़दा तू। ओ 35 किले आउंदे आ मां, ओ कुछ कु किले बेच के आपां शहर जाके कोठी पावांगे, कदों तक कित्थे रहांगे। चल जा पानी लेके आ। ओ हाँ हाँ आया। हेलो इंस्पेक्टर साहब, कत्ल हो गया कनेर कंडे, मरन वाले का नाम रूप है। जनाब लोगों को ये लाश नहर कंधे में मिली है जी। शिट, लाश का चेहरा इन्ना खराब हो गया कि पहचान ही नहीं आ रहा। कतल करने वाले ने बड़ी साजिश नाल मारिया, तुसी लाश नू पोस्टमार्टम लिए भेजो। जी जनाब। मां रोटी खा ले, कल दा कुछ नहीं खादा तू। मेनू भूख नहीं, तू खा ले, मेरा दिल नहीं करदा, मेरा ते बिल्कुल भी जी नहीं करदा, तू थोड़ी बहुत खा ले। मैं भूख ता मेनू भी नहीं मां, वीरे दी बहुत याद आई जा रही है। खा ले थोड़ी जी, खा ले तू। हां जी माता जी घर ही हो? घर ही हां, घर ही हां, पुत आ जा। अच्छीकल माता जी, अच्छीकल, बैठो। केस बारे कुछ गल करना है। दसो। तुसी चाहो ता पुलिस दी हेल्प कर सकदे हो, मेनू उम्मीद है कि तुसी सब कुछ साफ-साफ दसोगे। हां जी सर, असी भी यही चाहने हां कि साडे वीरे दे कातलां दा पता लग सके। ओ तुसी फिकर ना करो, कातल नू ता असी पताल चो भी लभ लियावांगे। तुसी मेनू बस यही दसो कि आखरी बार तुसी अपने वीरे नू कदों देखिया ते किहदे नाल देखिया। सर आखरी बार ओनू ओदा दोस्त लेके गया सी, कहंदा सी सरपंच साहब दे घर जाके आउणा, उस तो बाद वीरा वापस ही नहीं घर आया। की नाम सी ओदे दोस्त दा? सर गैरी। गैरी, हुण गैरी दसो सानू सारी सच्चाई। नाले सरपंच साहब के घर भी चाह पी के ही आई है हुण। चंगा जी मैं चलदा। आओ आओ सरपंच साहब, आज पुलिस महकमा साडे घर किवें? बस तुहाडे दर्शन करन दा दिल कीता, असी आ गए फिर। मैनू नहीं पता सी असी इन्ने खास हाँ कि पुलिस साडे दर्शन करन नू आ गई। हुण काम दी गल करिए आपां, वैसे तुहानू पता लग ही गया हूँ कि असी इत्थे क्यों आए हैं। नहीं मैनू नहीं पता। सरपंच साहब तुहाडे पिंड एक मुंडे दा कतल हो गया ते तुसी कहने हो कि मैनू नहीं पता। ओ पता लग गया सी मैनू, बहुत माड़ा होया। आखरी वारो मुंडा तुहाडे कोल आया सी, एदे बारे तुहाडा की ख्याल आ? हाँ आया सी, पर एदा मतलब ए नहीं कि मैं उनू मारिया। सरपंच साहब पुलिस दा काम हुंदा तफतीश करना, तुसी साडे नाल कोऑपरेट करो, साडे सारे सवालां दे साथ साथ जवाब दिओ। हाँ पुछो मैं तैयार हाँ। तां दसो फिर रूप तुहाडे कोल क्यों आया सी ते की करन आया सी?
ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆ ਵੀ ਰੂਪ ਬਹਿ ਜਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ। ਬਸ ਵਧੀਆ। ਕੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲੜ ਪਿਆ ਤੂੰ ਰੌਕੀ ਨਾਲ? ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਪਸ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਬਸ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਾ ਲੜਿਆ ਕਰੋ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਰੌਲੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜੂ। ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ। ਚੱਲ ਚੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੂ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾਈਏ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਜਿਓ। ਚੰਗਾ ਜੀ ਚੱਲਦੇ। ਹੈਲੋ ਗੈਰੀ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਨਾ ਰਹੀ। ਜੈ ਹਿੰਦ ਜਨਾਬ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੇਰੀ ਡਰੈਸ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਲਓ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ 'ਚ ਰਿਹਾ ਕਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਹੈਲੋ, ਓਕੇ ਸਰ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜਨਾਬ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਰੂਪ ਦੇ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇਰੇ ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਕੜਾ ਸਰਦਾਰ ਨੀ ਏ, ਡਾਇਮੰਡ ਦੀ ਝਾਂਜਰ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੇਰੇ ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਕੜਾ ਸਰਦਾਰ ਨੀ ਏ, ਡਾਇਮੰਡ ਦੀ ਝਾਂਜਰ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਭੀ ਹੈ ਨਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਉਂ ਉੱਡਿਆ ਪਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਰੂਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਉਸ ਦਿਨ ਰੂਪ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਯਾਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ੋਅ ਲੱਗਣੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਆਹ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿੰਗਰ ਬਣਨਾ ਸਿੰਗਰ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਠੱਪ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਤੇਰੀ ਬੇਬੇ ਬਣ ਦਿਓ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਸਾਜੀ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇਵੇ, ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਿੰਗਰ ਬਣਨ ਦੀ। ਉਹ ਨਾ ਬਾਈ ਨਾ, ਬੇਬੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਆਡਾ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੈਲੋ, ਓਹੋ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਬਾਈ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਜਾ ਆਈ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਤੂੰ ਜਾ ਆ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਿਆ, ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਲਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ ਰੂਪ ਦੇ ਮਰਡਰ ਕੇਸ 'ਚ। ਪਰ ਮੈਂ ਰੂਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜਾਣਦਾ ਤੇਰੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਰੌਕੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ, ਜਦੋਂ ਰੂਪ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੂੰ? ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਰਿਵੋਲਵਰ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਟਕ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਟਕ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਤਾਰਕ ਮਹਿਤਾ ਕਾ ਉਲਟਾ ਚਸ਼ਮਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਨਾਟਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਟਕ ਮੀਨਸ ਥੀਏਟਰ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਐਕਟਿੰਗ? ਹਾਂ ਉਹੀ ਐਕਟਿੰਗ। ਕੀਤੀ ਆ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਕਿਹੜੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਕਾਪੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਢੱਡ ਦੁਖਣ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜਨਾਬ, ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਸਕਿੱਲਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ਸਕਿੱਲਸ? ਹੱਥ 'ਚ ਦੋ ਦੋ ਫੋਨ ਫੜ ਕੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਦਿਖਾਈ ਜਰਾ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ?
की गल होगी जनाब? कुछ नहीं समझाओ तुसी। मास्टर जी ना, इन्नी छेती नहीं मरन देना तुहानू। हुण सच दसन तो बाद ही नहर च छाल मारियो। इंसान दा मन इस पानी वांग गहरा हुंदा है, उस दी गहराई कोई माप नहीं सकदा। जदों रूप दा कतल होया उस तो ठीक एक दिन पहला वो तुहाडे कोल आया सी, पर तुसी सानू दस्या क्यों नहीं? तुसी मेरे तो कुछ पुछे ही नहीं। असी मार्गदर्शन करते हैं सब का, यह पुलिस पुलिस के चक्करों तो बहुत दूर हाँ। जे मैं नहीं पूछया तो तुहाडा भी तो फर्ज बनता सी, तुसी सानू दस सकते सी। खैर कोई गल नहीं, हुण तुसी मैनू यह दसो कि उस दिन होया की सी? मैं ग्राउंड सैर करन गया तो उत्थे रूप मैनू मिलया। हाँ जी मास्टर जी, की हाल ने? वधिया, तुसी दसो। बस वधिया, होर दसो की करन लगे? बस मौसम दा आनंद माण रहे ते देखो नौजवान खेल रहे ने। अज ए रोकी फेर इत्थे, अज नहीं ये बचदा। गुस्सा इंसान दी बर्बादी दा कारण बनदा है। किसे लई मन विच इन्नी नफरत, चंगी नहीं। तुसी विच नाओ मास्टर जी, ये बदले दी आगा, जे पैर रखोगे तो जला के राख कर दूंगी। असी मिट्टी तो बने हैं ते मिट्टी ची समा जाना। नफरत छड़ो, दिल विच प्यार रखो। प्यार प्यू नाल मसले हल नहीं होंदे, ये जमीन दा रौला है, किसे ना किसे दी जान तां लेके ही रहू। जान तां इस विच तेरी भी जा सकती है। जो जान तली ते रखदे ने ओ मौत दी परवाह नहीं करदे होंदे। चंगा मैं चलदा। बस इन्नी गल करके मेरे नाल ओह बहुत दूर चला गया। मतलब मारना ओह रोकी नूं चाहुंदा सी पर मर खुद ही गया। हाँ, बुरे काम दा बुरा नतीजा। रब तेरा भला करे। चंगा मैं चलदा। समझ नहीं आउंदी इह कतल कीता किसने आ। मैं भी आही सोच रहा सी सर, रोकी गैरी ते सरपंच, मैनूं तां इन्हां तिन्नां विच्चों कोई इक कातल लग रहा। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਸੀ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਾਜ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਾਜ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈਏ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਸ ਟਰੇਸ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕਾਤਲ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਊ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਜ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਵੀ ਖੋਲਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਹਾਂ ਬਈ, ਕੇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ? ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਹੈਲੋ, ਕੀ? ਬਸ ਹੁਣੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜਨਾਬ? ਰੂਪ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਸੀ। ਚਲਾ ਚੱਲੀਏ। आओ इंस्पेक्टर साहब। मिल गया तुहाडा मुजरिम, ते जुर्म इसने आप कबूल कीता है। मैं कीता कतल, मैनू दियो सजा। पर तू उसनू मारिया क्यों? इहदे पिछे भी एक कहानी है। मैं ते रूप कट्ठे कॉलेज पढ़दे सी। ओ आ भाई मित्रा, की हाल आ तेरा? वधिया भाई, तू सुना? बस वधिया। होर दस, तेरे रिजल्ट दा की बनया? फिर रिजल्ट दा की बनना सी यार, सपली आ गई। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੀਆਂ, ਆਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਫਿਰ। ਪੜ੍ਹ ਪੁੜ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ? 45% ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ। ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੋਂ ਟੌਪ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇਂ। ਭਾਵੇਂ ਟੌਪ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਸਪਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ 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 ਬਸ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ 'ਚ ਰੂਪ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਣਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਨਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ,
पर इहदा मतलब यह नहीं कि तू किसी का मर्डर कर देवे। चल पुलिस स्टेशन, तेरा खेल खत्म। खेल तो अजे शुरू होया इंस्पैक्टर साहब। की मतलब है तेरा? तुसी पढ़ाई पढ़ के इंस्पैक्टर तो बन गए पर तुहानू चेहरे भरने नहीं आए। तू सीधी सीधी तरह दस कहना की चाहना? कुछ नहीं इंस्पैक्टर साहब, चलो पुलिस स्टेशन। चला फिर। मैं कमिंग सर। कमिंग प्लीज। हाँ जी सर, तुसी बुलाया? हाँ जी, प्लीज बैठो। थैंक यू सर। बलराज, ये मैं की सुन रहा हूँ, हुण पुलिस बेकसूर लोगों को अंदर करन लग पई? मैं कुछ समझे नहीं सर। जो मुंडा रूप दे मर्डर केस अंदर किया वो बेकसूर है, तुसी धक्के नाल उसनू जेल च किया? नहीं सर, पर उन्हें खुद जुर्म कबूल किया। तुसी चाहो तो सरपंच साहब को पुछ सकते हो। सरपंच तो खुद आई थी कंप्लेट कर, उस मुंडे नू छड्ड दिओ। बिना किसी सबूत के तुसी किवें उसनू अंदर कर दिता? सॉरी सर। इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम तो इदां दी गलती ना होवे। यू कैन गो। मैनू तो यह केस होर भी ज्यादा उलझा लग रहा। आखिर रूप का कतल किया कि पता क्यों नहीं चल रहा? कुछ तो है जो आप मिस कर रहे हैं। पता नहीं जनाब, ये की ड्रामा जहा करी जाते हैं। की क्या तू? ड्रामा? जी जनाब। हाँ, ड्रामा यानी कि नाटक। सर आप टीवी नाटक देखते हैं, वो अलग अलग चेहरे साढ़े सामने होंगे, जेडे तो वधिया रोल करते हैं असी उसनू वधिया बंदन लग पैंदे आ, ते जिहड़े नैगेटिव रोल करदे आ असी उसनू विलन समझण लग पैंदे आ। जो फेसिस चेहरे जिद्दां साडे सामने आंदे आ असी उस ते यकीन कर लैंदे आ। बिल्कुल ठीक उसे तरह रूप दे मर्डर केस अपने नाल हो रहा। सानू पिंड वालिआं ने जिवें रूप दे बारे दस्सिआ असी उस ते यकीन कर लिया। की पता सर ये सारे झूठ ही बोलदे हो? कुछ तो है इन्हां सारिआं दे चेहरिआं पिछे जो ये अपने तो लुका रहे। मैनू बुला के आप आया नहीं? की गल होगी सरपंच साहब, तुसी मैनू बुलाया? ओ मैं तेनू कदों बुलाया? जे तुसी नहीं बुलाया फिर होर किने बुलाया? मास्टर जी, तुसी मैनू इत्थे क्यों बुलाया? पर मैं तां किसे नू बुलाया ही नहीं। फिर आपां नू बुलाया किने इत्थे? ओ थोनू किन्नी वार कहा मैं आपां कट्ठे नहीं होना, ओनू इंस्पैक्टर नू अपने ते शक पै जाना, ते हुण ओ शक यकीन च बदल गया। मैं बुलाया तो सारे नूं इत्थे, मैं यही देखना चाहुंदा सी कि कातल तुहाडे चों कोई एक आ या फिर तुसी सारे रले मिले हो। क्यों सरपंच साहब, आखिर सच मूहों निकली आया तो हुण दसो फिर तुसी सारे ने मिल के रूप दा कतल किया क्यों? ये कतल असी नहीं किया, असी तो सिर्फ साथ दिता। तो कतल किया किने आ फिर? रूप की भैन दलजीत ने। दलजीत? ओहो अपने भरा नूं क्यों मारूगी? ये सब रौला जमीन दा, रूप दे बापू दी मौत तो बाद सारी जमीन रूप नूं आंदी सी। उन्हां दी जमीन दा मुल 5 करोड़ सी। रूप चाहुंदा सी कि वह दलजीत दा ब्याह करे, पर दलजीत दी अख उन्हां दी जमीन ते सी, इसलिए वह मेरे कोल आई कि अगर मैं रूप नूं मरवा दां तां 1 करोड़ मेरा। ते ये गल सरपंच साहब नूं चंगी तरह पता सी कि रूप का सब तो वड्डा दुश्मन मैं हाँ, इस करके इन्होंने मैनू भी नाल रला लिया ते कहा रूप दे कोल जो जमीन है वह तैनू मिल जाऊ, इसलिए मैं इन्हां साथ दिता। रूप मेरा दोस्त सी, वह कदों की करता सी मैनू सब पता हुंदा सी। जो कहानी तुहानू विक्की ने दसी है वह असल च मेरी कहानी सी। रूप हर कम च मेरे तो अगे सी, इसलिए उहनू मैनू मारना पिया। कम कार पहला ही ठप सी, इस काम का मैनू 5 लाख रुपया मिलना सी, तां भला मैं ना किवें कर दिंदा? इस कहानी का रचेता मैं ही हूँ। जो चेहरे असीं तुहाडे सामने पेश किए ने वह मेरे ही बनाए हुए ने। इस दुनिया में हर इंसान के 2 चेहरे होंगे, एक वो जो दुनिया के सामने होंदा है ते दूसरा किसी नूं दिखाई नहीं दिंदा। हुण तुसीं ये सोच रहे होवोगे कि यह सब मैं क्यों किया। असल में रूप मेरा सतीला भरा सी, ते इस बारे सिर्फ मैनू ते मेरे फादर साहब नूं पता सी, ते 5 साल पहला उन्होंने ही मैनू इत्थे भेजिया सी। रूप ते मेरी सतीली माँ नूं सब सच दस के कैनेडा वापस लेके जाण दे लई। पर जदों मैं देखा रूप तां करोड़ां दा मालक है,
फिर मेरी अख उसकी जमीन ते रही ते मैं इसे पिंड विच पढ़ाउण लग पिया ते रूप नू मारन दे मौके लभदा रहा। इंसान दे मन च अजकल इन्ना लालच भर गया कि उहनू पूरा करन लई उह किसी भी हद तक जा सकदा। वाह, गेम तो तुसी सारे ने बड़ी वधिया खेडी पर एक छोटी जी गलती कर गए आपस च कोऑर्डिनेशन दी। मैं परसनली तुहाडे सारयां दे नंबर ते मैसेज करके तुहानू इत्थे बुला लिया। कातल भावें किन्ना कुछ चलाक क्यों ना होवे कोई ना कोई गलती तो कर ही जाता। पैसों का लालच इंसान तो की कुछ नहीं करवा जाता। तुसी सारे ने मिलके रूप का कतल किया इस करके सज़ा भी तुहानू सारयां नू ही मिलेगी। बुरे काम का नतीजा बुरा ही हुंदा। बलराज लेडी पुलिस नू फोन करो वो जाके दलजीत नू अरेस्ट कर लेंगे। ओके सर। चलो रूप का आ मर्डर केस भी निबड़िया। है? रूप की बाह का टैटू बने हुआ सी पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दस रही है कि लाश की बाह से कोई टैटू ही नहीं। यह मतलब यह केस अजे निबड़िया नहीं। वाह इंस्पैक्टर साहब वाह, मन गए तुहानू। सो आखिरकार तुहानू पता चल ही गया। मैनू लगता है तुहानू कुछ समझ नहीं आया कि ये चल की रहा है। चलो मैं तुहानू समझाना। मैनू दलजीत ते पहला तो ही शक सी। कदे तो वह मां नाल साड़ी जमीन दियां गल्लां करदी सी ते कदे ओह मेरा पिस्टल देखदी सी। मैनू यह पता चल गया सी कि उसकी अख मेरी जमीन ते है पर मैनू यह नहीं पता चलिया कि उसका साथ कौन दे रहा है क्योंकि इकली तो वह कुछ नहीं कर सकती। सो मैं इन्हां सब लई एक जाल बुणिया। पहला मैं गैरी नाल गया पर मैं अपना पिस्टल घरे छड्ड के चलिया गया। दलजीत ने गैरी नू फोन करके सब दसता। फिर मैं गया सरपंच कोल ते सरपंच ने मेरे जान तो बाद रॉकी नू फोन कर दिता ते रास्ते विच मेरा इंतजार मास्टर कर रहा सी। ते जदों मैं नहर वाले रास्ते तो घर जाण लगा तां दलजीत ने ते इन्हां सारिआं ने मेरी पिस्टल तो मेरे गोलियां मारियां ते मैं नहर विच डिग पिया। फड़े जाण दे डर तो ये सारे उत्थों भज निकले। इन्नियां गोलियां लगन दे बावजूद भी तू बच किवें गया? मैं अपनी पिस्टल च नकली गोलियां पाईआं सी। मन्निया तेरे नाल गलत होया पर तू पुलिस कोल लैणा सी, कंप्लेंट दर्ज कराणी सी। कंप्लेंट लिखण नाल की हो जाणा सी इंस्पैक्टर साहब? बिना सबूत दे पुलिस भी किसी नूं अरैसट नहीं कर सकती। हुण ये सारे जाने जेल विच चक्की पीसणगे, सारी उम्र सड़दे रहणगे ते मैं इन्हां सारयां तो बहुत दूर चले जाणा इंस्पैक्टर साहब ते हुण कोई भी मेरा कुछ नहीं कर सकदा। मैं कानून दी ते तुहाडी बहुत रिस्पैक्ट करदा इस करके मैं तुहानूं जानो नहीं मारिया। हुण चंगा यही होऊ कि तुसी भी इस मसले नूं इत्थे ही दबा दो ते चुप रहो। हाँ एक गल मेरी याद रखियो, इंसान दे दो चेहरे हुंदे ने। एक चेहरा वो जो दुनिया नूं नज़र आउंदा है ते एक चेहरा वो जो किसे नूं नज़र नहीं आउंदा। उसे चेहरे पिछे लुके हुंदे ने कई राज़।